गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय दैनिक राशिफल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष स्कीम को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नौ जून रविवार 2024 तीस सितंबर 2081 सख सम्मत 1946 जेठ महीना उजाला पाक तीज तिथि सूर्य वृषभ राशि में चंद्रमा मिथुन राशि में पुनर्वर्ष नक्षत्र रात में 9:11 तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा परिहार पान। कहने का मतलब यह है आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना आप चाहते हैं तो पान खाकर यात्रा आरंभ करें तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल शाम को 4:30 से 6 तक, गुलिक काल दिन में 3 से 4:30 तक, यमगंड काल दिन में 12 से 1:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? राहु काल में जो भी शुभ काम किए जाते हैं या यात्रा शुरू की जाती है, ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप क्या करें? अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय तरफ लेके चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर लें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं तो आप बिल्कुल ना घबराइए, क्यों हम आपकी मदद करेंगे। देखो भैया, दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्रा होता है और प्रा से बहुत लोग के नाम हैं, जैसे कि प्रमोद, प्रियंका। अब आप क्या करेंगे? तो भैया प्रा को आप पास देखें। कहने का सीधा अर्थ यह है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है और त्रा से बहुत लोग के नाम हैं, तो भाई अब आप क्या करेंगे? तो त्रा को आप त्रा से देखें। कहने का मतलब यह है त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञान होता है और ज्ञान से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे ज्ञानचंद, ज्ञानवती। अब आप क्या करें? तो भाई ज्ञान को आप गा से देखें। कहने का मतलब यह है ज्ञान को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर स्रा होता है और स्रा से भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि श्रवण कुमार, श्री राम, श्रीकांत। अब आप क्या करें? तो भैया स्त्रा को आप सा से देखें। कहने का मतलब ये स्त्रा को आप कुंभ राशि में। अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं, यानी एरिस मेष राशि। मेष लग राशि के जातकों, आज का दिन शुभ है, भाग्योदय होगा, परिश्रम के द्वारा सफलता मिलने के भी दिखाई दे रहे हैं, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी लाभ होने के योग दिख रहे हैं, माता का सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय गुड़ का दान करें। टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग राशि के जातकों, आज पराक्रम के द्वारा धन लाभ होने के योग दिख रहे हैं, कुटुंबी की तरफ से मन अशांत रहेगा, पूर्वों की शक्ति का लाभ मिलेगा। विशेष उपाय
महिलाओं का सम्मान करिएगा, खास तौर से अपने घर की महिलाओं का भी सम्मान करें। जेमनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज का दिन शुभ है, धन लाभ होने की युक्ति रहे हैं, मन खुश रहेगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा। विशेष उपाय, किन्नरों की बद्दुआ न लें। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए अशुभ है, दिमागी टेंशन बढ़ने के योग दिख रहे हैं, खर्चा भी बढ़ेगा, परंतु बाहरी स्थानों से मदद मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, अपनी माँ का मातुल्य महिलाओं का सम्मान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज विद्यार्थियों को विशेष मेहनत की आवश्यकता है, संतान से मतभेद होने की दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, अपने पिता तथा पिता तुल्य लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या यानी वर्गो, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज का दिन शुभ है, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने की दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, बहनों का सम्मान करिए। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों, आज का दिन शुभ है, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने की दिख रहे हैं, भाई बहन का सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, जले कटे फटे कपड़े मत पहनिए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज का दिन सम्मान है, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, भाग्य में बाधा पड़ेगी, धन लाभ होने की दिखाई दे रहे हैं, घर परिवार का सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, ओम अंगारकाय नमः मंत्र का एक माले का जप करिए। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों, आज रोजी रोजगार मंदा रहेगा, पति पत्नी में आपस में मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं, मन खुश रहेगा। विशेष उपाय, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माले का जप करिएगा। कैपिकार यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों, आज सतर्क रहिए, खर्चा बढ़ेगा, दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, आमदनी मंदी रहेगी, पत्नी से मतभेद होने की योग दिख रहे, रोजगार मंदा रहे। विशेष उपाय, सरसों का तेल का दान करिएगा। एको बेरिया यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों, आज संतान से मतभेद होने की योग दिख रहे हैं, विद्या में कमजोरी होने की योग दिख रहे हैं, आमदनी मंदी रहेगी। विशेष उपाय, भैंसे के गोबर का दीपक बनाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पाइसेस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए शुभ है, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, माता का सहयोग मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने की योग दिख रहे हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विद्यार्थियों को विशेष उन्नति होगी। विशेष उपाय, पुत्रों का सम्मान करें। अगर अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपने राशिफल को लग्न से देखें। अगर आपको अपने लग्न नहीं मालूम है तो हमसे संपर्क करके अपने लग्न की जानकारी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो हैं। आवश्यक सूचना हस्तरेखा परीक्षण, जनपति परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कम्युनिटी सेंटर सामने, पार्क के पास, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता दी।